अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम दाऊद है। तो आज की ताज़ा तरीन खबरें, उनमें से तो सबसे पहली खबर यह है कि आज गूगल की 15th एनिवर्सरी है। उसके अलावा हुआवे, शाओमी, वीवो, ओप्पो और अदर जो चाइना की कंपनी है, वो सारे मिलके ना एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे कि प्ले स्टोर है ना। क्योंकि गूगल ने बैन किया था हुआवे को, तो दूसरे एंड्रॉयड्स को पड़ गया है, डर पड़ गया कि कहीं वो हमको भी बैन ना कर दें, जैसे शाओमी है, ओप्पो है, वीवो है। सो वो मिलके ना एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं या अपनी ही एप्लीकेशनों में काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में अगर गूगल ब्लॉक भी कर दें उनको, तो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके अलावा सैमसंग जी फ्लिप आ रहे हैं, उसकी रिलीज डेट और न्यू लीक्स आई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। उसके अलावा गूगल जो है, गूगल ट्रांसलेटर, उसका 6.5 वर्जन टेस्ट हो रहा है अभी। एंड्रॉयड 10 डार्क मोड पे सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि अभी गूगल जो है, गूगल ट्रांसलेटर, वो अभी डार्क मोड में सपोर्ट नहीं करता था। और इसके अलावा तो आज की न्यूज़ तो कुछ भी नहीं। हाँ, हुआवे का एक नया कैमरा निकल रहा है, वो नया मोबाइल निकल रहा है, 47P Y7 Prime अनाउंस्ड विद अ 48 मेगापिक्सल कैमरा एंड 4000 mAh बैटरी। ये GSM Arena की लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके अलावा Redmi K20 Pro लॉन्च नियर बाय। अच्छा, पहले Redmi K30 आया था, तो अब Redmi K30 Pro आ रहा है, जिसमें Snapdragon 865 ही है। उसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S20 को भी टेस्टिंग कर रहे हैं, या बातें साइंस की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ। तो इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में ये है कि आंटमैन डायरेक्ट शेयर्स टचिंग फोटो, आंटमैन ने फोटो, ये सारी बकवास चीज़ें क्या यार। अच्छा हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का ट्रेलर आ गया है। उसके अलावा काफ़ी क्लास की मूवीज़ आने लग गई हैं आजकल, मतलब आने वाली हैं 2020 में, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 हो गई, उसके बाद फ्री गाय अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देखे उसका ट्रेलर। उसके अलावा फ्री गाय के अलावा ये है जेम्स बॉन्ड की 007 नई मूवी आ रही है, वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसके अलावा बागी 3 का ट्रेलर देखा ही होगा। पता नहीं यार, इंडियन मूवी वाले क्यों इतनी बोंगियाँ मारते हैं, बहुत ज़्यादा बोंगियाँ मारते हैं इंडियन मूवी वाले। खैर, अच्छा किसी के पास अगर गाइडेंस है तो वो मुझे दिखाए, मुझे बताए कि मैं ना एक्चुअली व्लॉग बनाना चाहता हूँ कोई प्रोफेशनल टाइप का, तो उस आइडिया नहीं मिल रहा, कोई आइडिया देगा नीचे कमेंट में। बस आज के लिए इतना ही, टॉप स्टोरीज में जाके देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता था वैसे। यार आपको पता है कि गूगल मैप्स किस लिए यूज होता है? एक तो नेविगेशन के लिए यूज होता है ना, दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ना पॉपुलर हो सकते हो उससे। कैसे? कि आप अपनी पिक्स लगा सकते हो जो कि आपने खींची हैं जगहों की, वो लगा के आप डायरेक्ट भेज दो गूगल मैप्स पे, उस पर फिर व्यूज आते हैं आपके। उसका फायदा ये होगा कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। एक और खबर सामने निकल के आई है कि ना सैमसंग A50 में 1 UI 2.0 अपडेट आ गई है। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन गूगल की तरफ से ही है, उस वही न्यूज दे रहा है, शायद आ गई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे कौन जीतेगा, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान आज के मैच? मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।